हेलो स्टूडेंट्स, हम आज हम हमारे इंग्लिश ग्रामर लेक्चर के अंदर करेंगे टॉपिक टेंसेस। हम इसमें टेंसेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंसेस होती क्या हैं। द टेंस ऑफ अ वर्ब टेल अस व्हेन द एक्शन हैपन्स। जैसे कि टेंसेस हम उनको बोल सकते हैं जो हमें वर्ब्स जो हमें किसी भी एक्शन, किसी भी तरीके का जो एक्शन हमारे डेली लाइफ के अंदर होता है उसके बारे में बताते हैं, तो उसको हम टेंसेस बोलते हैं। आज हम दो तरीके के टेंसेस करेंगे, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रेजेंट, अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो एक्चुअली में प्रेजेंट होता क्या है, या फिर यूँ कहें प्रेजेंट टेंस। इफ़ सम एक्शन इज हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट और हैपन्स एवरी डे, उस एक्शन की बात करेंगे हम प्रेजेंट के अंदर जो हर रोज हो रहा है, या फिर इस टाइम पे, अभी इस टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो एक्शन हो रहा है, इस टाइम को हम काउंट करेंगे प्रेजेंट के अंदर। इसी तरीके से अब बात करेंगे हम पास्ट की। पास्ट यानी इफ़ सम एक्शंस हैपन बिफोर नाउ, वो एक्शंस या फिर वो चीज़ें जो इस टाइम से पहले हो चुकी हैं, जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि ऐसा हो गया था, तो ये चीज़ें हम काउंट करते हैं पास्ट के अंदर। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे टेंसेस की ओर, किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस जो हैं हम यूज़ करते हैं और ये वर्क करते हैं। द वर्ब्स टेल अस वेदर एंड एक्शन happens regularly on talks about people in general। वो verbs जिनको हम use करें जो regular actions यानी कि जो daily life में होने वाले actions को represent करें, या फिर generally हम जिनके बारे में बात करते हैं, ऐसे tenses को हम simple present tense कहते हैं, जिनके अंदर आज की बात हो रही हो, या फिर generally जो common सी चीज़ें हैं वो होती हों। वर्ड्स लाइक ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, जर्नली, ऑफ्टन और एवरी डे, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें रेगुलर लाइफ में होने वाली चीज़ों के बारे में इंडिकेट करते हैं। जो चीज़ें रेगुलरली ही होती हैं उनके लिए ऐसे वर्ड्स जो हैं हम यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, नेहा ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली। नेहा हमेशा पोलाइटली यानी कि बहुत ही नम्रता के साथ में बोलती है। ऑलवेज है यानी कि ऑलवेज हमेशा ही बोलती है, रेगुलरली बोलती है। और यहाँ पे वर्ब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पीक्स। तो ये सेंटेंस हमें किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि मंकीज लव बनानास। बंदर क्या है, बनानास को पसंद करते हैं, वो करते हैं, ये एक जर्नल बात है, हमेशा करते हैं। तो इसको भी हम काउंट करेंगे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वर्ब्स। वर्ब्स यूज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब वर्ब्स हम किस तरीके से यूज़ करेंगे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के अंदर, यूज ऑफ सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब विथ प्रोनाउंस। हम यहाँ पे कुछ ऐसे टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनके साथ में हम वर्ब, सिंपल वर्ब फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम प्रोनाउन, अगर किसी के नेम की जगह पे हम अपनी तरफ से कोई प्रोनाउन देते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइक आई, वी, यू एंड दे। इनको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। आई सिंग वेल, मैं अच्छा गा लेता हूँ, या फिर मैं अच्छा गाता हूँ। तो यानी कि आई इज़ अ प्रोनाउन हेयर। आई हम हमारे लिए यूज़ करें, हम हमारा नाम नहीं यहाँ पे लगा रहे, प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आई सिंग एक सिंपल वर्ब है जिसको हम यूज़ करें हमारे इस टेंस के अंदर, तो इट्स फॉर्म आई सिंग वेल।
तो यानी कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि मैं अच्छा गा लेता हूँ या फिर मैं अच्छा गाता हूँ। नेक्स्ट है दे रन वेरी फास्ट। दे, अब यहाँ पे हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम उनका नाम नहीं बल्कि प्रोनाउन उनके लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ दे। दे रन वेरी फास्ट। रन एक सिंपल वर्ब फॉर्म हम इस टेंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे हम इसको बना रहे हैं कि वो बहुत ही तेज़ दौड़ते हैं। तो ये जनरल सी बात है, रेगुलरली जो हमारी डेली लाइफ में एक्शन होता है ऐसी बात है, दैट ऑल्सो काउंटेड इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है सिंपल पास्ट टेंस। वर्ब दैट टेल अस अबाउट द एक्शन दैट हैपन इन पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस में हम ऐसी वर्ब्स यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब्स को इस तरीके से यूज़ करेंगे कि वो हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा जो एक्शन है वो पहले ही हो चुका है। इस टाइम से पहले जो बातें हो चुकी हैं उनके लिए हम वर्ब्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे। दैट शोज आर एक्शन इज हैपन्ड। हमारा जो एक्शन है वो पहले ही हो चुका है, हमारे जो क्रिया है, जो काम है, इस टाइम से पहले जो हो चुकी है उनको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। यूजुअली यूज्ड ईडी को हम यूज़ करते हैं वर्ब्स के साथ में, वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं उनके साथ में हम यूजुअली ईडी यूज़ करते हैं। कब? सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, जब हमने हमारा पास्ट टेंस जब बनाना होता है तो हम उसके अंदर वर्ब के साथ में ईडी यूज़ करते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल फर्स्ट, शी ओपन्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। ऐसा, उसने दरवाज़ा खोला था, यानी कि यहाँ पे आपके पास में वर्ब के साथ में ईडी हमने यूज़ किया है। इससे हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में चेंज हो गया। अगर हम ये ईडी इस वर्ब के साथ में ना यूज़ करें तो क्या बनेगा? शी ओपन द डोर, यानी कि उसने दरवाज़ा खोला, यानी कि अभी खोला, दैट इज़ काउंटेड इन प्रेजेंट। अब यहाँ पे वर्ब के साथ में हमारे पास ई डी लग गया, जिसके हमारा जो वर्ब है वो पास्ट फॉर्म हो गई, और इसी के कारण हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट है दे लाफ्ड एट हिज जोक्स, वो उनके जोक्स पे हंसे थे। मतलब ये चीज़ पास्ट में कन्वर्ट हो गई है। कैसे? हमने हमारी वर्ब के साथ में ईडी जो है प्लेस कर दिया, जिसके कारण हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट से पास्ट के अंदर चला गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।